की हाल चाल दोस्तों, तुहाड़ा स्वागत है एक बार फिर आरटीवी ब्लॉग्स से। तो फ्रेंड्स, आज हम मतलब थोड़ी सी सेटिंग करवाने जा रहे हैं दाढ़ी की। पापा कहते हैं मेरे को अच्छी नहीं लग रही, तू कटवा के। भाई मैंने तो बड़ी करनी थी बहुत, पर पापा कह रहे हैं कि अच्छी नहीं लग रही। तो ठीक है यार, कटवा लेंगे थोड़ी सी, मतलब सेटिंग करवा लेंगे दाढ़ी की। तो कोई बात नहीं, कह रहे हैं अभी तो ऐसे अच्छी सी आ नहीं रही, कह रहे थोड़ी कटवा ले तो मशीन लगवा ले। मैंने कहा मशीन नहीं लगवाऊंगा मैं तो यार, कैंची से कटवाऊंगा, अब की ज़्यादा बड़ी रखूंगा। तो कोई नहीं यार, अब मैं जा रहा हूँ, जाके मैं थोड़ा सा देखता हूँ जाके वहाँ पे कैसा माहौल है, कितना भीड़ है, और फिर उसको बोलूँगा रखने को कैसी रखनी है मैंने। तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा यार कैसे कटवाऊंगा मैं। तो फ्रेंड्स, ये देखो हमने दाढ़ी कटा ली है और मूछ भी सेट करा ली है, देख सकते हो कैसी लग रही है, आप कमेंट में बताओ मेरी दाढ़ी। ज़्यादा भी मैंने छोटी नहीं करवाई, पापा तो कह रहे थे 0 नंबर। भाई 0 नंबर बहुत ही हो जाता, और मैं भाई बहुत प्यार करता अपनी दाढ़ी मुझसे, बस जब मजबूरी हो तभी कटवाता हूँ, जैसे काम कुम चंडीगढ़ में हो ना तो फिर ही कटवाता हूँ यार दाढ़ी, नहीं तो कटवाता नहीं हूँ। नहीं तो देखो यार कैसी लग रही है, आप कमेंट में बताओ। ये यार चोट लगी थी तो इसलिए यहाँ पे नहीं आ रही। तो ठीक है यार, हम चाय पीते हैं, आपको दिखाई दिया यार एक बार फिर, देखो कैसी लग रही है दाढ़ी मेरी यार। तो बस क्रीम क्रूम लगा लूँ क्योंकि इसने ब्लेट मारा है, देखो ठीक लग रही है ना, सेट करवा ली। और भाई मुझ क्या ही बताऊँ, मुझे यार ठीक ही है अपनी, है ना अच्छी है ना, तो जिसको जिसको अच्छी लगती है यार कमेंट में बताओ यार। रंग बहुत बुरे लग रहे, तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर। तो भाई ये देखो हम चाय पीने वाले हैं, तो गैस में रख देते हैं चाय। तो यार एक और बात बतानी है यार, अभी ना मेरे साथ एक मतलब एक्सीडेंट जैसा ही कुछ हुआ। अरे मैं ना फोन मतलब दाढ़ी कटवाने लगा ना, तो मैंने अपना फोन ना टेबल पे रख दिया, उनके जहाँ पे नाई की दुकान पे टेबल होता है वहां पे रख दिया मैंने भैया के। तो मैंने कटवा कटवा लिया भाई दाढ़ी, तो पहले तो भाई मैं कुर्सी दूसरी पे बैठने वाला था, कह रहा भाई वहां पे कोई तो है नहीं है तू क्यों बैठ रहा है, पता नहीं भाई क्यों हो रहा था मेरे साथ। और भाई फिर उसने दूसरी कुर्सी बिठाया, फिर मैंने दाढ़ी कटवाई और दाढ़ी कटवा के उठा, और भाई सारा कुछ करवा करो के जाने ही वाला था पैसे वैसे दे के, और भाई लास्ट में मैं फोन भूल गया अपना, बताओ जिससे मैं वीडियो बनाता हूँ वही भूल गया मैं भाई उसके पास। और भाई ने इतना अच्छा था भाई यार, उसने आवाज मारी, कह रहा भाई आपका फोन भूल गया। मैंने मैंने कहा रह जाता, कहता रह जाता तो क्या अपने ही शहर में है तो दे जाता घर जाके। मैंने कहा भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई चाय तो बनी रही है, तो देखो ये भाई मॉइस्चराइज क्रीम है, हनी की मॉइस्चराइज क्रीम थी। तो इससे भाई जब भी दाढ़ी करवा के आता हूँ तो इसको लगा लेता हूँ, और इससे मतलब स्किन भी अच्छी रहती है, खुश्क भी नहीं होगी, सर्दियों के मौसम है ना, तो ये लगा लेता हूँ यार। तो इसको लगा लेता हूँ अच्छे से और फिर धो भी लेंगे इसको अच्छे से लगा के। तो ठीक है यार, हम लगा लेते हैं तब तक। तो फ्रेंड्स चाय बन चुकी है, आपको दिखा देता हूँ, ये देखो चाय बन चुकी है। तो भाई मैं बहुत चाय पीता हूँ, तो अभी बहुत कम भी करनी चाहिए यार मुझे, बहुत चाय पीने लगाऊँ तो ठीक है मैं चाय चूँ पी। तो एक और बात यार, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं तो यार लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो। तो फ्रेंड्स और भी ब्लॉग लाऊंगा अच्छे अच्छे, अभी थोड़ा सा निकल नहीं पा रहा आपको पता ही है। तो ठीक है यार, और कैसी लग रही है दाढ़ी मेरी, ठीक लग रही है ना, तो कमेंट में बताओ भाई कैसा लग रहा हूँ मैं। तो ठीक है यार, हम यहीं से विदा लेते हैं, और अगले ब्लॉग के लिए आप हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो ठीक है दोस्तों, ओके अलविदा लेता हूँ।